कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपने सुप्रीमो शरद पवार का मनाया जन्मदिन। आइए देखते हैं पूरी खबर। आज पूरे महाराष्ट्र में ये वर्चुअल रैली के माध्यम से प्रोग्राम रखा गया था कि हमारे जो माननीय शरद पवार साहब है उनका 81वां जन्मदिन का प्रोग्राम आया था, और इस प्रोग्राम में हमने यहाँ आज स्पेशल खास करके जिला अध्यक्ष ने कि हमारे यहाँ जो सिंधी समाज है, पंजाबी समाज है और उत्तर भारतीय समाज है, जो ज़्यादा पवार साहब के लिए उनको मालूम नहीं है, तो उस विषय पे उन्होंने आज खास जो उनका एक बुक प्रकाशित हुआ था 2017 में हिंदी वादन है, वो आज यहाँ सबको उन्होंने एक भेंट दी है कि जो पॉलिटिक्स में आज जिनको चाणक्य कहा जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को और जानने के लिए और उनकी बातों को समझने के लिए, और उन्होंने जो समाज के लिए किया या समाज को कैसे आज उन्होंने अपने में बांध के लिया, उसको समझने के लिए आज वो बुक उल्लासनगर में सब पदाधिकारी और जो गणमान्य लोग आए हुए थे उनको एक भेंट के तौर पे दी है। तो इस तरह से इस प्रोग्राम में आज हमने माननीय शरद पवार साहब का एक धूमधाम से बर्थडे मनाया और केक काट के मनाया गया। भरत भाई, आपके जो महासचिव हैं उन्होंने चार नंबर रोटी पर जो बैनर लगाया था, मुख्यमंत्री का सिर अलग करके उनका सिर लगाया है, इसके ऊपर क्या कहना? ये अभी मुझे मालूम नहीं है, मैं ये इंक्वायरी करूँगा, उसके बाद ही कुछ बता पाऊँगा। देखिए, आज हमारे आधार स्तंभ, हमारे विद्यापीठ और बारामती के महान महारथी श्री आदरणीय शरद चंद्र पवार जी के 81वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से हमने ये रीजेंसी स्काई डोम में मनाया है। और जैसे ही हमारी प्रदेश ऑफिस से गाइडलाइंस थी कोविड के चलते, एक वर्चुअल रैली का इंतज़ाम किया गया था, जो इधर हमें LED स्क्रीन के ज़रिए डायरेक्ट रिले किया गया है, और बीच में हमारे अपने भी एक दो प्रोग्राम्स थे, हमारे अपने विचार थे, साहब को दी हुई इच्छाएँ थी जो हमें उनको बर्थडे विशेष देनी थी, तो ऐसे हम सब पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने मिलकर साहब का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।